अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंसेक्टसाइड पर बात करें क्योंकि बहुत सारे ग्रोअर बता रहे हैं हमें फ्रूट फॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके ऑर्चर्ड में एपिड्स आया है, जैसे कि देखिए आप, थोड़ा सा एपिड्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए किस तरह एपिड्स आया है, देखिए आप। और हमें क्या करना है इन एपिड्स को, हमें 50 ml 100 लीटर ऑफ वाटर डालना है। अगर आप स्प्रे करेंगे, साइक्लोन है इसके लिए, आलेंटो है इसके लिए, रोगर है इसके लिए, जो सिकॉस्ट यूनिट्स ने रिकमेंड किया है, तो आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। और डोजेज आपको 50 ml 100 लीटर ऑफ वाटर में डालना है, उससे ज़्यादा आप मत डालें। क्योंकि जो आपकी फ्रूट सेटिंग है, आपको फिर फ्रूट फॉल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रोवर भाई से, ज़्यादा इंसेक्टसाइड मत डालें। क्योंकि जो ये फ्रूट सेटिंग हुआ है अच्छी तरह, फिर आपको इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ज़्यादा इंसेक्टसाइड डोजेज ज़्यादा, देखिए फ्रूट सेटिंग किस तरह हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और हमारे ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन होना चाहिए। जितना आप पॉलिनेशन देखिए, ये है यहाँ पर हजरत बिली पॉलिनेजर प्लांट से, यहाँ पर देखिए, देखिए इसने कितना अच्छा फ्रूट सेटिंग किया है। देखिए यहाँ भी एक नज़र डालिए आप, जितना हमारे बगीचे में पॉलिनेजर होगा, उतना आपको फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप बीच बीच में भी लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक पॉलिनेजर प्लांट्स, जितने प्लांट्स इसके आसपास होंगे उन सारी को पॉलिनेशन होगी, फिर आपको फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा एवरी साल। और आपको फिर PGR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एलॉन्गेशन के लिए आप फिर PGR कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप फ्रूट सेटिंग कितना अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा फ्रूट सेटिंग देखने को मिल रहा है। और एक प्लांट्स पर हम नज़र डालेंगे, इस प्लांट्स पर देखिए आप फ्रूट सेटिंग कितना बेहतरीन हुआ है, ये कन्फर्म है। देखिए ये वाला सेब, ये सब कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है। देखिए जो इस तरह होगा वो कन्फर्म है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन रखें। क्योंकि आपको फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा एवरी साल, और आपको फिर PGR करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, नेचर पॉलिनेशन होगा आपके ऑर्चर्ड में। देखिए फ्रूट सेटिंग, मैं इसीलिए एक स्प्रे कर रहा हूँ, सिंगल स्प्रे कर रहा हूँ, प्रोजिब और न्यूट्रोजी मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि एलॉन्गेशन के लिए। और फ्रूट सेटिंग भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे ऑर्चर्ड में उतना पॉलिनेशन नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए मैं PGR भी कर रहा हूँ। देखिए कन्फर्म है, ये सेफ फ्रूट सेटिंग, देखिए आप और एक प्लांट्स पर हम नज़र डालेंगे, देखिए आप इस पर भी फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए आप ये सब कन्फर्म है, अगर आप आज प्रोमलिन कर सकते हैं, PGR या प्रोजिप करेंगे या एप्लिन करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो स्प्रे आप कर सकते हैं इस स्टेज पर एलॉन्गेशन के लिए। और जो मैंने इंसेक्ट्स आपको बताया ये करने के लिए, आप ये इंसेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आलंटो, और इसके बाद मैंने बोला है रोगर, और इसके बाद मैंने बोला है साइक्लोन, इन तीनों में से एक आप कर सकते हैं स्प्रे जो आपको अच्छा लगे। और ज़्यादा डोजेज मत डालें ताकि आपका फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी वसलाम।